आज हमारी एमएस ऑफिस की क्लास में हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने कल आपको बताया था कि पावर पॉइंट का यूज जो है क्यों होता है और लर्निंग होने से पहले क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। हमने आपको बताया था टैबलेट्स वगैरह यूज करना चाहिए। तो चलिए हमने पावर पॉइंट ओपन किया और आई होप कि आपको पावर पॉइंट ओपन करने तो आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले न्यू, अगर आप पहले से किसी बने बनाए टैंपलेट को यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, या न्यू पे जाके बहुत सारे बने बनाए टैंपलेट्स हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। राइट, आप चाहते हो मैं खुद का टैंपलेट बनाओ तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कीजिए और ये आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपके पास देखिए क्या होता है, स्लाइड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा क्या स्लाइड्स होते हैं। स्लाइड्स में क्या होता है, अभी आपने देखा एक डिजाइन आइडिया करके आया था। तो डिजाइन आइडिया क्या होता है कि वो आपको माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दिख रहा है सर आपको? सर तो यहां इस पे क्लिक करने से डिजाइन आइडिया आ जाता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप अपने पास नोटपैड में प्रिपेयर कर लें कि आपको आखिर क्या करना है, कितने स्लाइड्स बनाने हैं और क्या चीजें यूज करनी है। राइट, और पहला पेज टाइटल का होता है। ओके, और जैसे आपने यहां देखा क्लिक टू टाइटल, तो जैसे मैंने यहां पे डाल दिया कि एमएस ऑफिस 365 हमने डाल दिया, और यहां पे पावर ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसकी बैकग्राउंड डिजाइन्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ डिजाइन में आके। तो डिजाइन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन के टैंपलेट्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो कि आप आखिर किस तरह का प्रीव्यू देना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट किया तो इस तरह से आएगा, इसको सिलेक्ट किया ऐसा आएगा। दिख रहा है? तो आपके रिक्वायरमेंट को जो फिट बैठता है उसका यूज आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ज्यादातर आप लाइट वेट ही इस्तेमाल करें। जैसे कि ये है, ये आपका पहला ये आ गया। उसके अलावा डिजाइन आइडियाज भी है, जैसे कि इसने इसको सर्च करके बता दिया आपको कि भाई इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है, आपको ये भी ले सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। क्या तो डिजाइन आइडिया भी आप यूज कर सकते हो गया। अब यहां भी हमारा हो गया। अब मुझे एक अलग नेक्स्ट स्लाइड को लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप जो है एक बार फिर से अपने नोटपैड पे आता हूं मैं। एक नोटपैड में आप एक डिजाइन तैयार कर लें कि आपको क्या करना है। उसके बाद मुझे यहीं पे न्यू स्लाइड आपको दिख, होम के अंदर ही न्यू स्लाइड आपको दिख रहा है, मैं इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूं। तो न्यू स्लाइड में आपको कौन सा स्लाइड चाहिए, जैसे कि एक हमारा था टाइटल स्लाइड, जैसे पहले आता है सबसे स्टार्टिंग में आपको जो दिखेगा वो यहां आप डाल सकते हैं। दूसरा था टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट मतलब कि आप इसमें क्या क्या करना चाहते हो। जैसे यहां पे हमने डाल दिया पावर पॉइंट 365, राइट, और इसमें हम डाल देते हैं हमारे कंटेन है। तो कंटेन पहले बनाया जाता है सर। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कंटेन बना सकते हैं। जब भी आप ये बना रहे हैं और आपको लगा कि ठीक नहीं बन रहा है तो यहाँ आप देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे टाइटल्स दिख जाएंगे आपको, आइडिया दिखा रहा है आपको सर। अब ये हर वर्जन में है या नहीं है इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट ऑफिस 365 में आप इसका यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो आपके पास होना चाहिए, इसका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो पहला आपका टाइटल होता है, दूसरा दूसरा आपका कंटेन होता है, और तीसरा सेक्शन टाइटल होता है। मतलब कि मान लीजिए कि हमने पावर पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, हमने कंटेन डाल दिया कि भी बेसिक फंक्शन चार्ट डिजाइन एंड शेयर। राइट, अब मैं बेसिक पे डिस्कस करूंगा तो एक सेक्शन चाहिए,
यहाँ पे सेक्शन हेडर आपको दिख गया। अब सेक्शन हेडर में मैं डालूंगा, यहाँ पे डालता हूँ ऑफिस 365 और यहाँ डालूंगा बेसिक बेसिक पावर। ठीक है सर, सेक्शन हेडर हो गया राइट सर। उसके बाद एक नया स्लाइड ऐड करूंगा। अब इसमें से मान लीजिए मुझे कंटेंट देना है या ब्लैंक लेना है, अपने हिसाब से मान लो कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी पेस्ट में मान लीजिए मुझे इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करना है, तो या फिर आप चाहते हैं कि भाई गूगल ट्रांसलेटर से कुछ आ जाए कंटेंट, जैसे मान लीजिए कोई पोएम कोई कविता ऐसा कुछ डालना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऑफिस में नहीं यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, मैं डाल दिया हिंदी, एक 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 एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ, किसी की फरमाइश है इसलिए सर। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन क्या है कि ये सर इमेज है, मुझे कंटेंट चाहिए। तो आप यहाँ गूगल पे गूगल ट्रांसलेट किया कभी कि नहीं सर? गूगल ट्रांसलेट पे भी आप कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया हिंदी कविता, तो यहाँ हिंदी में करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, या फिर टाइप करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पेस्ट करना है, हमने ब्लैंक लिया हुआ है। इंसर्ट, इंसर्ट में आपको यहाँ शेप्स लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको पेस्ट करेंगे तो आपको एचटीएमएल पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स तो चाहिए ना सर। या होम में भी हमारा नहीं, होम में नहीं होता है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ यहाँ है यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन किया और हमने उस पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो देखिए ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्या, तो ये आपको ये आ जाता है, उसका कर सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज लेना है, तो मैं भी फिर मैं ब्लैंक स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ में मुझे कोई इमेज पेस्ट करना है, या गूगल से ही इमेज कोई पेस्ट लेके करना है, तो हमेशा जैसे कि हम जब इमेज वगैरह पेस्ट करते हैं तो हमें उसमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको जो इमेज पेस्ट करनी है उसको कॉपी कर लिया। जैसे मुझे मान लीजिए इसी को पेस्ट करना है, तो मैंने इसको राइट क्लिक कर लिया और कॉपी इमेज कर लिया और यहाँ आया और सीधे पेस्ट कर दिया, पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ये हमारे पास आ गया। और इससे भी रिलेटेड यहाँ पे आएगा कि भाई आप कैसा शो करना चाहते हैं, आ जाता है। तो ये आप रीड करके फिर अपने हिसाब से देख लेता है। और अब इसी इसको अगर मान लीजिए आपको प्रेजेंट करना है, शो करना है, तो यहाँ स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो में यहाँ आप फ्रॉम बिगिनिंग दिख रहा है आपको, बिगिनिंग कर लीजिए आ गया। अब जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप बोलिए और नेक्स्ट के लिए बस इस पर क्लिक कीजिए, आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कीजिए आ जाएगा, कोई भी की दबाइएगा, जरूरी नहीं कि मैं स्पेस ही दिखाऊं, माउस के लिए की करूं, कोई भी की अगर दबाते हैं तो आ जाता है। ये तो नहीं बेसिक आर्किटेक्चर, आप सोच, मैं इसलिए बता रहा था कि बेसिक आखिर क्या होता है पावर पॉइंट, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें दो चीजें हैं कि आपको स्लाइड की च्वाइसेस अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहला टाइटल स्लाइड, जैसे कि आपका कवर पेज होता है, उसके बाद आप अपने कंटेंट को, या सेक्शन हेडर हो गया, या ब्लैंक हो गया, या टाइटल ओनली हो गया, तो ये सारे स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। बाहर से कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, चाहे इमेज हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, या किसी भी लैंग्वेज में हो, आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट सर। लेकिन अगर, लेकिन मैं बोलूँगा तो शुरुआती में आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआती में आप हमेशा टैम्पलेट बने बनाए टैम्पलेट को भी ओवरराइड करें। जैसे कि मैं न्यू पे गया
और यहां मान लीजिए मैंने नहीं, सिलेक्ट नहीं कुछ। यहाँ पे कैटेगरी है, पर्सनल कैटेगरी पे आता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन थीम एजुकेशन, एजुकेशन पे आता हूँ, चार्ट बिजनेसेस एजुकेशन पे आता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड थीम्स हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट को जो फिलफिल कर रहा है उसको ले और आप जो है यूज कर ले, ठीक है। जैसे कि हम इसको लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते, रिव्यू बुक दिख रहा है मेरे, मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रिव्यू ही बनाना है, ठीक है। लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बुक एडिशंस और बाकी चीज दिख रहा है, यहाँ पे ये आपके पिक्चर्स हैं, है ना सर, बुक है ये है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल्स और होता है ये जो पिक्चर्स है इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आइडिया में आइए और यहाँ पे किसी और टेम्पलेट से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नहीं, इसमें नहीं आ रहा, जैसे मुझे पीछे के बैकग्राउंड डिलीट करना है तो इस... लेआउट है यहाँ पे, तो मैं राइट क्लिक, हाँ सब में है सर, डिजाइन आइडिया के बारे में नहीं, डिजाइन टाइप के बारे में तो पता है, डिजाइन तो है सब में। मुझे बुक नहीं चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो अब मेरा इस तरह से हो गया ना सर, अब मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अपना आइडिया दे सकता हूँ। तो आप अपने बने बनाए आइडिया को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो टेम्पलेट है शुरुआत में, यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इससे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा काम करने, ठीक है सर। तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप, ओके। जैसे कि मैंने इसी को लिया कलर बुक और क्रिएट किया, और ये दो चीज आ गई। अब यहाँ पे अपना टाइटल्स वगैरह डाल सकते हैं, ये आपका आइटम्स है, और मुझे ऐसा ही और चाहिए, तो इसमें आप कंट्रोल डी करेंगे ना तो इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल डी करेंगे तो इसी की एक कॉपी बन जाती है, ठीक है सर। और अब डिजाइन आइडिया के पास नहीं है तो कोई बात नहीं सर, आप यहाँ पे डिजाइन टैब से भी काम कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे हैं हमारे पास। और आप जो है मैंने मान लीजिए कोई थीम वगैरह डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और यहाँ ब्राउज थीम से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो शुरू से मैं एक बार बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो ब्लैंक स्लाइड लेना है, और उसके बाद आपको डिजाइन में जाना है, और एक अपना एक आर्ट्स जो है उसका बोलते हैं उसको, थीम्स डिसाइड करना है कि कैसा होना चाहिए, वो थीम आप डिसाइड कर लें। उसके बाद आप अपना यहाँ पे तो पहला टाइटल दें, जो भी टाइटल देना चाहते हैं पहले टाइटल दें, और फिर आप यहाँ इंसर्ट करें एक और, इंसर्ट सॉरी यहाँ पे एक और न्यू स्लाइड को इंसर्ट करें, जैसे कि टाइटल और कंटेन हो गया, या फिर आपका सेक्शन हो गया, या आपका ब्लैंक स्लाइड हो गया, टाइटल ओनली हो गया, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी डिजाइन चूज कर लेते हैं तो सारा डिजाइन उसी हिसाब से बन जाता है, ठीक है। और डिजाइन आइडिया पे आप चाहो तो आप अपना कन्वर्ट भी कर सकते हो कि कैसा दिखना चाहिए, लेकिन डिजाइन आइडिया सिर्फ एक को चेंज करता है, सबको नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो कुछ बनाइए या कुछ बना के भेजिए सर मुझे। तो अभी मैंने जैसे ओवरव्यू दिया, फिर कल से मैं आपकी फाइल मेनू से लेके कंट्री कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज बेसिकली मैं 11 बजे का टाइम आपको दे दिया था और साथ में किसी और को भी दे दिया था, तो दोनों को आधा आधा पढ़ाना पड़ा मुझे।